वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो गाइज़, आज की मेरी वीडियो है हमारे जो है इंग्लिश लर्नर्स के लिए, और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ, इससे पिछली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज के जो रूल्स हैं विद सॉल्व एग्जाम्पल्स, तो मैं जैसे कि आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ प्रैक्टिस वाली में, कि भी अगर आप किसी भी टेंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द रूल्स ऑफ दी टेंसेज। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो इसके रूल्स मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। रूल्स रिगार्डिंग वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और खाली आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स ही नहीं, मैंने आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट, पूरा पास्ट और पूरा फ्यूचर, सभी के जो चार चार टाइप के आपके टेंसेज होते हैं, सारे के सारे रूल्स करवा दिए हैं। तो सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली सारी यूजफुल वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहें। और इसके अलावा गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको जो है अपना किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस स्टडी करना है, 9th to 12th क्लास में आप हो और आपको अपना सिलेबस स्टडी करना है, चाहे आप CBSE या फिर NIS बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग का सिलेबस भी चल रहा है। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। बाकी हम पहला सेंटेंस अपना देख लेते हैं। मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, ठीक है, पहचान भी आपको पता होनी चाहिए, रूल्स भी। मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो जितने भी मैं आपको इस तरीके से प्रैक्टिस सेंटेंसेस यहाँ पर करा रही हूँ, उसमें आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली, तो हम एक ही सेंटेंस के फोर्थ टाइप के यहाँ पर करते हैं डिस्कस। तो आप देख सकते हैं मैंने जो पहला सेंटेंस लिया है वो है कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, तो इसका आपको नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली, ये फोर्थ टाइप के सेंटेंसेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलेंगे आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सेकेंड है, मैं सुबह से खाना नहीं खा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, हैव आई बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। और मैं सुबह से खाना क्यों खा रहा हूँ, वाई हैव आई बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि है हम लोगों का, हम 6 घंटे से कहानी लिख रहे हैं। वी हैव बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 6 आवर्स। हम 6 घंटे से कहानी नहीं लिख रहे हैं, वी हैव नॉट बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 6 आवर्स। क्या हम 6 घंटे से कहानी लिख रहे हैं, हैव वी बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 6 आवर्स। हम 6 घंटे से कहानी कहाँ लिख रहे हैं, तो वेयर हैव वी बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 6 आवर्स। चलिए गाइस पढ़ लेते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का सेंटेंस नंबर 3, जो कि है वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। शी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है, हैज़ शी बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से कपड़े क्यों धो रही है, सो वाई हैज़ शी बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ लेते हैं, सेंटेंस नंबर 4, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैं 1 हफ्ते से ऑफिस जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 1 वीक। मैं 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 1 वीक। क्या मैं 1 हफ्ते से ऑफिस जा रहा हूँ, हैव आई बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 1 वीक। मैं 1 हफ्ते से ऑफिस क्यों जा रहा हूँ, वाई हैव आई बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 1 वीक। चलिएगा नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस नंबर 5 है। बाकी अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए, सो PDF फाइल के लिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 5। मैं 5 महीने से कंप्यूटर सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 5 मंथ्स। मैं 5 महीने से कंप्यूटर नहीं सीख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 5 मंथ्स। क्या मैं 5 महीने से कंप्यूटर सीख रहा हूँ, हैव आई बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 5 मंथ्स। मैं 5 महीने से कंप्यूटर क्यों सीख रहा हूँ, वाई हैव आई बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 5 मंथ्स। चलिए 6 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है, अभी हम लोग उसको देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर 6 नंबर पे है हमारा, हम सुबह से टहलने जा रहे हैं। सो गाइस इसको हम बोलेंगे वी हैव बीन गोइंग फॉर अ वॉक सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से टहलने नहीं जा रहे हैं, वी हैव नॉट बीन गोइंग फॉर अ वॉक सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से टहलने जा रहे हैं, हैव वी बीन गोइंग फॉर अ वॉक सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से कहाँ टहलने जा रहे हैं, सो वेयर हैव वी बीन गोइंग फॉर अ वॉक सिंस मॉर्निंग।
चलिए अभी हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है हमारा सेंटेंस नंबर 7। मैं 2 घंटे से फ्रूटी पी रहा हूँ। आई हैव बीन ड्रिंकिंग फ्रूटी फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से फ्रूटी नहीं पी रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग फ्रूटी फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से फ्रूटी पी रहा हूँ? हैव आई बीन ड्रिंकिंग फ्रूटी फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से फ्रूटी क्यों पी रहा हूँ? सो वाई हैव आई बीन ड्रिंकिंग फ्रूटी फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8, जो कि है हम लोगों का, वे रात से ही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दे हैव बीन यूजिंग मोबाइल फ़ोन सिंस नाइट। वे रात से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन यूजिंग मोबाइल फ़ोन सिंस नाइट। नेक्स्ट है, क्या वे रात से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसको हम कहेंगे हैव दे बीन यूजिंग मोबाइल फ़ोन सिंस नाइट, और वे रात से ही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सो वाई दे हैव बीन यूजिंग मोबाइल फ़ोन सिंस नाइट। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 9, जो कि है आप लोगों का, वह 1 घंटे से खाना बना रही है। She has been cooking food for 1 hour. वह 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है। She has not been cooking food for 1 hour. क्या वह 1 घंटे से खाना बना रही है? Has she been cooking food for 1 hour? वह 1 घंटे से खाना क्यों बना रही है? Why has she been cooking food for 1 hour? Next है sentence number 10, वह 5 मिनट से गाली दे रहा है। So he has been abusing for 5 minutes. वह 5 मिनट से गाली नहीं दे रहा है। ही हैज़ नॉट बीन अब्यूजिंग फॉर 5 मिनट्स। नेक्स्ट है, क्या वह 5 मिनट से गाली दे रहा है? हैज़ ही बीन अब्यूजिंग फॉर 5 मिनट्स। और वह 5 मिनट से गाली क्यों दे रहा है? वाई हैज़ ही बीन अब्यूजिंग फॉर 5 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है 11, जो कि है, हम 3 घंटे से टीवी देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। हम 3 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। क्या हम 3 घंटे से टीवी देख रहे हैं? हैव वी बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। हम 3 घंटे से टीवी कहाँ देख रहे हैं? वेयर हैव वी बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट है 12, वे सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। सो गाइज इसको हम बोलेंगे दे हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से किताब पढ़ रहे हैं? हैव दे बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से किताब क्यों पढ़ रहे हैं? वाई हैव दे बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है गाइस हमारा सेंटेंस नंबर 13, मैं 3 घंटे से परीक्षा दे रहा हूँ। आई हैव बीन टेकिंग एग्जाम फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से परीक्षा नहीं दे रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टेकिंग एग्जाम फॉर 3 आवर्स। क्या मैं 3 घंटे से परीक्षा दे रहा हूँ? हैव आई बीन टेकिंग एग्जाम फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से परीक्षा क्यों दे रहा हूँ? Why have I been taking exam for 3 hours? Next है गाइस हमारा सेंटेंस नंबर 14, जो कि है आपके सामने, शाइना 2 मिनट से आईना देख रही है। क्या कॉम्बिनेशन है, शाइना मतलब आईना देख रही है। सो शाइना हैज़ बीन सीइंग मिरर फॉर 2 मिनट्स। शाइना 2 मिनट से आईना नहीं देख रही है। शाइना हैज़ नॉट बीन सीइंग मिरर फॉर 2 मिनट्स। क्या शाइना 2 मिनट से आईना देख रही है? हैज शाइना बीन सीइंग मिरर फॉर 2 मिनट्स। शाइना 2 मिनट से आईना कहाँ देख रही है? वेयर हैज शाइना बीन सीइंग मिरर फॉर 2 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह आपको 1 हफ्ते से मिस कर रही है। शी हैज़ बीन मिसिंग यू फॉर 1 वीक। वह आपको 1 हफ्ते से मिस नहीं कर रही है। शी हैज़ नॉट बीन मिसिंग यू फॉर 1 वीक। क्या वह आपको 1 हफ्ते से मिस कर रही है? हैज़ शी बीन मिसिंग यू फॉर 1 वीक। वह आपको 1 हफ्ते से मिस क्यों कर रही है? वाई हैज़ शी बीन मिसिंग यू फॉर 1 वीक। चलिए गाइस बढ़ लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है सेंटेंस नंबर 16। तो आपके सामने गिवन है, ये भी देख लेते हैं इसको। मैं मार्च से मनाली जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू मनाली सिंस मार्च। मैं मार्च से मनाली नहीं जा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू मनाली सिंस मार्च। क्या मैं मार्च से मनाली जा रहा हूँ? हैव आई बीन गोइंग टू मनाली सिंस मार्च। और मैं मार्च से मनाली क्यों जा रहा हूँ? वाई हैव आई बीन गोइंग टू मनाली सिंस मार्च। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइज हमारा सेंटेंस नंबर 17। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर करें, और आने वाली सारी की सारी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो नेक्स्ट सेंटेंस है गाइज हम लोग का, वे शाम से कॉफ़ी पी रहे हैं। तो इसको बोलेंगे दे हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी सिंस इवनिंग। वे शाम से
कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं? दे हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी सिंस इवनिंग. क्या वे शाम से कॉफ़ी पी रहे हैं? हैव दे बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी सिंस इवनिंग. वे शाम से कॉफ़ी क्यों पी रहे हैं? वाई हैव दे बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी सिंस इवनिंग. तो आई होप आपने ये भी अच्छे से समझ लिया होगा. अभी हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा 18. हम सुबह से मैच खेल रहे हैं, इसको बोलेंगे वी हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग. हम सुबह से मैच नहीं खेल रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग. क्या हम सुबह से मैच खेल रहे हैं? हैव वी बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग. हम सुबह से मैच कहाँ खेल रहे हैं? Where have we been playing match since morning? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं 19, जो कि है मैं जनवरी से सिलाई सीख रही हूँ. I have been learning stitching since January. मैं जनवरी से सिलाई नहीं सीख रही हूँ. I have not been learning stitching since January. क्या मैं जनवरी से सिलाई सीख रही हूँ? Have I been learning stitching since January? मैं जनवरी से सिलाई क्यों सीख रही हूँ? Why have I been learning stitching since January? लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस जो है वो हम देख लेते हैं गाइज. वो है हम सुबह से खाना खा रहे हैं, वी हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग. हम सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं, वी हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग. क्या हम सुबह से खाना खा रहे हैं? हैव वी बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग. और हम सुबह से खाना क्यों खा रहे हैं? वाई हैव वी बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग. सो आई होप आप इन सभी सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और पिछली सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. साथ ही साथ वहाँ से आप अपने इसके रूल्स भी क्लियर कर सकते हैं. सो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश. थैंक यू.